नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में इन दिनों लूटपाट की घटना खूब देखने को मिल रही है। दिन दहाड़े ये लूटपाट बिहार में किए जा रहे हैं, जिसके बाद लोग भी खौफ में जी रहे हैं। ऐसे में एक और घटना बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आई है, जहां पे बंदूक के नोक पर 3 लाख रुपए की लूट की गई है। जहां आपको बताएं कि माचिस कारोबारी से ये 3 लाख रुपए की लूट अपराधियों की तरफ से की गई है और बंदूक के नोक पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि भागलपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक माचिस कारोबारी ओम प्रकाश बबुना के स्टाफ शेखर यादव से 3 लाख रुपए लूट लिए। आज सुबह करीब 10 बजे अपने घर से कैश लेकर खलीफाबाग चौक स्थित IDBI बैंक जा रहा था। वह साइकिल की हैंडल में रुपए से भरा झोला लेकर जा रहा था। बैंक से कुछ दूर पहले ही सुनसान जगह पाकर बदमाशों ने उसे ओवरटेक कर रोक दिया। इसके बाद हथियार के बल पर रुपए से भरा झोला लूट लिया। स्टाफ ने जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। बदमाशों ने जाते जाते स्टाफ को धमकी दी कि अगर वह किसी से लूटपाट की बात कहेगा तो गोली मार दी जाएगी। घटना के बाद इलाके में हरकंप मच गया है। आसपास के लोग की भीड़ भी वहां इकट्ठा हो गई। इधर पेरेट स्टाफ ने माचिस कारोबारी को सूचना दी, जिसके बाद उसने कोतवाली थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। जानकारी मिलते ही DSP और CTSP भी मौके पर पहुंचे। स्वर्ण प्रभात CTSP ने CCTV फुटेज की तलाश की जा रही है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो बता दें कि करीब 10 बजे वो जो स्टाफ है वो रुपए से भरा झोला लेकर वहां से जा रहा था, साइकिल से वो था, लेकिन उसी वक्त सुनसान रास्ता देखते हुए अपराधियों ने हमला बोल दिया और दिन दहाड़े इस 3 लाख रुपए की लूट की गई है। तो बता दें कि लगातार बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। कभी दिन दहाड़े गोली मारने की घटना को देखा जा रहा है तो कभी सोना लूटने की जो खबर है वो भी बिहार से सामने आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से माचिस कारोबारी के साथ ये लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें दिन दहाड़े बंदूक की नोक पे 3 लाख रुपए की लूट की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।